वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसा मोटो वर्ल्ड और फिर मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा होंडा की स्पोर्ट्स टूरर बाइक के बारे में, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑल न्यू होंडा CBR 250R। इस वीडियो में आपको इस बाइक से रिलेटेड सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। होंडा वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। कस्टमर्स का ट्रस्ट, रिलायबल इंजन्स और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी की वजह से इंडिया में भी इसके प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है। 2017 में हम सभी को मालूम है कि इंडियन गवर्नमेंट ने BS4 मैंडेटरी कर दिया था अप्रैल में। सभी ब्रांड्स अपने इंजन्स को BS3 से BS4 ऑप्ट करने में लगे हुए थे और ऑब्वियसली होंडा ने भी यही करा। लेकिन होंडा CBR 250 का BS3 इंजन था जिसको होंडा अपडेट नहीं कर पाया, तो इसको होंडा को डिसकंटिन्यू करना पड़ा May 2017 में, क्योंकि इंडियन ऑटोमोबाइल लॉज को फॉलो नहीं कर पा रही थी। CBR 250R की सिबलिंग CBR 150R को भी होंडा ने साथ ही साथ डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब होंडा ने इंजन तो BS4 कंप्लायंट प्रोवाइड कर ही दिया है और साथ ही साथ एक नए और फ्रेश लुक्स के साथ CBR 250 को इंडियन मार्केट में लाई है। इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस करे हैं जैसे ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स, शार्प लाइंस, ऑल LED हेडलैम्प, रेस इंस्पायर्ड स्टिकरिंग और ऑल न्यू कलर स्कीम्स। इंजन की बात करें तो इसमें वही 249.6 cc का लिक्विड कूल्ड BS4 कंप्लायंट 4 वॉल्व फ्यूल इंजेक्टेड DOHC इंजन है जो मैक्स पावर 26.15 bhp की प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 22.9 न्यूटन मीटर्स का। ये इंजन 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मेटेड है जो वेट मल्टीप्लेच क्लच के साथ है। गियर सेटअप इसका 1 डाउन 5 अप है। इंजन में अभी भी एम्फसाइज्ड परफॉर्मेंस और रेसिंग कैरेक्टर प्रेजेंट है। क्लेम टॉप स्पीड इसकी 135 kmph है। अब हो सकता है कोई राइडर इसको ट्रैक्स पर और ऊपर भी टच कर पाए। ऑफिशियली क्लेम्ड माइलेज तो इसका भी कुछ है नहीं। इसमें PGM फ्यूल इंजेक्टर है जो 7 सेंसर्स को सेंस करके एक्यूरेटली इंजन को फ्यूल सप्लाई करता है, जिससे इस बाइक में व्हेन एंड वेयर नीडेड पावर और माइलेज मिलेगा। फ्रंट प्रोफाइल में ऑल LED हेडलैम्प प्रोवाइड करा है होंडा ने, जिससे राइडर ज्यादा से ज्यादा क्लियरली एक्सप्लोर कर पाएगा। फ्रंट पे ज्यादा कुछ खास चेंजेस तो देखने को नहीं मिलते हेडलैम्प के अलावा। एरोडायनेमिकली डिजाइन फ्रंट स्पोर्टी काउल है जिससे इसको स्पोर्टियर लुकिंग मिलती है। एग्जॉस्ट मफलर आप देख सकते हैं बहुत ही एजी और स्टाइलिश प्रोवाइड कर दिया है कंपनी ने। इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं और आप देख सकते हैं ये मैट ब्लैक कलर में प्रोवाइडेड है। फ्यूचरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में देखने को मिलता है जिसमें स्पीडोमीटर, एनालॉग टैकोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, फ्यूल इंडिकेटर और डिस्टेंस टू एम्प्टी और क्लॉक देखने को मिलता है। स्विच गियर क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम है। लेफ्ट साइड हाई बीम लो बीम स्विच, पास लाइट का स्विच और हॉर्न एज यूजुअल है और राइट साइड इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट स्विच भी प्रोवाइडेड है। स्प्लिट सीट सेटअप इस बाइक में मिलता है और पिलियन के लिए स्प्लिट हैंड ग्रैब रेल्स भी मिलती हैं। होंडा क्लेम करता है कि ऑप्टिमाइज्ड सीट शेप से राइडर को लॉन्ग राइड्स पर अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा।
इंजन पावरफुल है और इसलिए होंडा ने 140 mm वाइडर रियर टायर प्रोवाइड करा है रोड सेफ्टी देखते हुए, और फ्रंट टायर इसका 110/17 का 17 इंच ट्यूबलेस टायर है। ABS वेरिएंट में डुअल चैनल ABS प्रोवाइडेड है राइडर सेफ्टी के लिए। फ्रंट डिस्क इसकी 296 mm है और रियर डिस्क 220 mm है। ब्रेकिंग पावर इसमें इंप्रूव हो गई है डुअल चैनल ABS की वजह से। स्टेबल राइडिंग प्रोवाइड करने के लिए होंडा ने इसमें रियर प्रो लिंक सस्पेंशन प्रोवाइड करे हैं और फ्रंट तो एज यूजुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही प्रोवाइडेड हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 145 mm है, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा कम है इंडियन स्पीड ब्रेकर्स के हिसाब से। कर्व वेट इसका 167 kg है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 13 लीटर्स है, जो डिसेंट है एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक के लिए। फोर नई कलर स्कीम्स इसमें आपको मिलती हैं, स्पोर्ट्स रेड, पर्ल स्पोर्ट्स येलो, मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक विद स्ट्राइकिंग ग्रीन और मैट एक्सेस ग्रे मेटालिक विद मार्स ऑरेंज, जिसका मैं भी शूट कर रहा हूँ। रेस इंस्पायर्ड ग्राफिक्स और नई कलर स्कीम्स की वजह से इस बाइक को फ्रेश और एक अपडेटेड लुक होंडा ने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं और भी 200 से 250 सीसी तक के कॉम्पिटिटर्स। यामाहा फेजर 25 आ जाती है, बजाज पल्सर NS200 आ जाती है और KTM की RC ट्विंस आ जाती हैं। प्राइस की बात करें तो इसकी एक शोरूम प्राइस स्टैंडर्ड वेरिएंट की 1.6 लाख है और ABS वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस 1.9 लाख अप्रॉक्स है। ऑन रोड जाते जाते इसकी प्राइस में वेरिएशन आता है, यानी कि प्राइस थोड़ी सी बढ़ जाती है। स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम प्राइस वेरी कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें टू व्हीलर्स रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। टू व्हीलर्स रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेंगी, कंपैरिजंस मिलेंगे, वॉक अराउंड रिव्यूज मिलेंगे और बहुत सी नई नई वीडियोस मिलेंगी। और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लाइक्स पर ही चलता हूं और आप मुझे सपोर्ट करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज।